हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेंस हेल्थ पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रेगनेंसी के सातवें हफ्ते में हमारी बॉडी में क्या बदलाव होते हैं, हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के आठवें हफ्ते में हमारी बॉडी में क्या बदलाव होते हैं, हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं और इस हफ्ते हमें अपना कैसे ख्याल रखना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रेगनेंसी का आठवां हफ्ता है और अभी हमारे 2 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी हमारे 2 महीने कंप्लीट होने में कुछ दिन बाकी हैं। इस हफ्ते हमारे बॉडी में जो खून का स्तर रहता है वो बढ़ने लगता है। हमारा जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो 2 कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। एक तो प्लाज्मा होता है जो पानी की तरह दिखता है और एक रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, इनसे मिलकर बना रहता है। हमारा जो ब्लड है उसमें जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का स्तर इस समय बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर जो शिशु पल रहा है उसको अच्छी तरीके से ऑक्सीजन प्राप्त होने के लिए हमारे ब्लड की ज़रूरत रहती है। और हमारा ब्लड जब पतला हो जाता है तो यह आसानी से हमारे बेबी तक पहुंच सकता है। ये जो ब्लड पतले होने की जो प्रक्रिया रहती है, इसे हम हीमोडाइल्यूशन कहते हैं। और हमारा प्रेगनेंसी के समय में जो ब्लड का लेवल रहता है वो 12 ग्राम रहना चाहिए, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन ब्लड पतला होने की वजह से अगर महिला का ब्लड 11 ग्राम है तो भी हम इसे नॉर्मल ही मानते हैं। इस हफ्ते हमारा जो बेबी रहता है वो 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हमारा बेबी एक बीन के साइज का दिखने लगता है और हमारे बेबी का जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और हमारे जो बेबी है, हमारा जो बेबी रहता है, उसकी जो टेल थी वो भी अभी धीरे धीरे गायब हो रही है। इसके साथ हमें बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने की समस्या हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमें जो हीमोडाइल्यूशन हुआ है, जो हमारे ब्लड पतले होने की जो प्रक्रिया हुई है, इसकी वजह से हमारी जो किडनी रहती हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और इसकी वजह से हमें बार बार पेशाब जाने की समस्या हो जाती है। जब हमें बार बार यूरिन पास करने की समस्या रहती है तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमें UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो बच्चेदानी होती है इसका भी साइज इस समय बढ़ने लगता है और हमारे जो पेशाब की थैली होती है, जो ब्लेडर रहता है, उस पर दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें बार बार यूरिन पास करने की समस्या हो जाती है। आप जब भी यूरिन पास करने जाते हैं तो कुछ झुककर पेट के निचले हिस्से पर दबाव देकर इसके बाद में बैठें तो आपका ब्लेडर अच्छी तरीके से खाली हो जाएगा और आपको बहुत ही जल्दी यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ अगर आपको यूरिन पास करते समय दर्द हो रहा है, जलन हो रही है या फिर खुजली हो रही है, तो आपको UTI हो सकता है, आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर को तुरंत मिलना चाहिए। और हमारी बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रहता है वो अभी इस हफ्ते बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रह सकता है। यानी जब हम अपनी जो हाथों की हथेली हैं उन्हें कलाई पर लगाते हैं तो ये गर्म सी महसूस होगी, ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अगर आपको सर्दी लग के फीवर आ रहा है, आपको रैसेस पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए।
और आपको बार बार यूरिन पास करने की समस्या है, इसके चलते आपको पानी पीना कम नहीं करना है। यह आपका ब्लैडर पे प्रेशर पड़ रहा है, इसकी वजह से बार बार आपको यूरिन पास होने की समस्या हो रही है, और आपकी किडनी पे प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन पास हो रही है। आपको अच्छी मात्रा में पानी लेते रहना है जिसके चलते आपकी बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा बना रहे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।